हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया यूनिट पढ़ने वाले हैं जो कि है यूनिट नंबर 5 सुपर कंडक्टिविटी। ये यूनिट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर का मतलब, दूसरी चीज सुपर कंडक्टिविटी यानी क्या, और तीसरी चीज क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्या। और इस वीडियो के अंत में हम ये भी देखेंगे कि ये जो सुपर कंडक्टिविटी है वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है। अब ये जो क्वेश्चन है वो जनवरी 19 में 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब सबसे पहले सुपर कंडक्टर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि यहां पे एक पावर स्टेशन है और आपका घर यहां पे है। अब पावर स्टेशन से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो आपके घर तक एक कंडक्टर की हेल्प से आएगी, जो कि हम अज्यूम करते हैं कॉपर का कंडक्टर है। हम ये अज्यूम करेंगे कि पावर स्टेशन पे सपोज 100 एम्पियर का करंट निकला और आपके घर आते आते ये 80 एम्पियर के बराबर हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हुआ, करंट का लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि कॉपर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस यानी क्या, जो भी करंट का फ्लो होगा उसे वो अपोज करेगा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे करके यहाँ पे करंट कम मिलेगा, कुछ करंट वेस्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस की वजह से। अच्छा, अब दूसरा कोई आपका फ्रेंड है ए, जो कि पावर स्टेशन से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, उसके घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और वो कंडक्टर यूज कर रहा है सिल्वर का, ठीक है, और उसके घर इलेक्ट्रिसिटी आई 90 एम्पियर के बराबर। क्यों ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आई? बिकॉज हमें पता है कि जो सिल्वर का रेजिस्टेंस है कॉपर से कम होता है, यानी सिल्वर करंट के फ्लो को कम अपोज करेगा, जिससे करके कम हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे करके कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा, तो यहां पे कम करंट का वेस्ट होगा, ठीक है। अब आपका दूसरा एक फ्रेंड है जो के बी है, जो के इक्वल डिस्टेंस पे रहता है पावर स्टेशन पे, उसके घर इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो आती है 99.99 एम्पियर के बराबर, यानी करीब करीब सेम इलेक्ट्रिसिटी सेम करंट आ रहा है, ठीक है। तो आप ये जो आपका दोस्त बी है उसे आप पूछोगे क्या कि तू जो कंडक्टर यूज कर रहा है क्या उसका रेजिस्टेंस 0 के बराबर है? तो आपका फ्रेंड बोलेगा हाँ, रेजिस्टेंस मेरे कंडक्टर का 0 के बराबर है, जिससे करके मेरा कंडक्टर कोई भी करंट के फ्लो को अपोज नहीं कर रहा, जिससे करके कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, जिससे करके कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो सुपर कंडक्टर का मतलब क्या, इनिशियल लेवल पे हम समझे तो सुपर कंडक्टर यानी ऐसे मटेरियल, या बोल लो ऐसे कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। अब हमें पता है रेजिस्टेंस का इक्वेशन रो एल बाय ए, यहां पे एल और ए क्या है, वेरिएबल है, लेंथ ऑफ वायर चेंज हो सकते हैं, एरिया भी चेंज हो सकते हैं, यानी मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शन में है। और सुपर कंडक्टर यानी ऐसे कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, अगर रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी भी सुपर कंडक्टर की कितनी होगी, 0 के बराबर, जो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, आर का वैल्यू 0, तो 0 पोटेंशियल। यानी सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें 0 पोटेंशियल पे भी करंट फ्लो होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, 0 पोटेंशियल पे करंट फ्लो होगा, क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी 0 है, या बोल लो रेजिस्टेंस 0 है। उसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो यहां पे मैंने एक कॉपर का लैटाइस लेके रखा है जिसमें ऐसे पॉजिटिव आयन है। अब रूम टेम्परेचर पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। तो यहां पे सपोज करते हैं 100 एम्पियर का करंट मैंने दिया, करंट दिया यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, तो ऑसिलेट करने के कारण ये यहां पे कोलाइड करेगा, फिर यहां पे कोलाइड करेगा, यहां पे कोलाइड करेगा, और फिर यहां पे हमें 80 एम्पियर का करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोलोजन के कारण, टकराने के कारण फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट डिसिपेट होगी सराउंडिंग में इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्ट हो जाएगा, तो हमें कम करंट मिलेगा, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने लिया सिल्वर का वायर, सिल्वर का लैटाइस बना के रखा है जिसकी एटॉमिक साइज थोड़ी छोटी होती है या एटम दूर दूर है, ऐसा भी आप अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 100 एम्पियर का करंट दिया, इलेक्ट्रॉन तो मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे कोलाइड किया, बाद में डिस्टेंस ज्यादा है तो डायरेक्टली यहाँ पे कोलाइड किया और यहाँ पे हमें करंट मिला। कितना? 90 एम्पियर का। ज्यादा करंट क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे कोलोजन सिर्फ दो ही बार हुआ, यहाँ तीन बार हुआ। कम कोलोजन, कम हीट प्रोड्यूस हुआ, कम इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट हुआ। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट जो है वो हम सुपर कंडक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब सुपर कंडक्टर यानी क्या? कोई ऑर्डिनरी कंडक्टर, कोई भी ऑर्डिनरी कंडक्टर आप ले सकते हो। अभी एक चीज याद रखना, सुपर कंडक्टर इनबॉर्न कंडक्टर नहीं है, वो नेचर में से नहीं मिलते, उसे बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? तो टेम्परेचर उसका कम करके। जब हम कोई ऑर्डिनरी कंडक्टर यानी कि ये हमारा हो गया मर्क्यूरी, जिंक, नोबियम, प्लेटिनियम, ऐसे जो ऑर्डिनरी कंडक्टर है उसका टेम्परेचर अगर हम बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाए, यानी बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसे जब हम ठंडा करते हैं, तब ये ऑर्डिनरी कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है। कैसे देख लेते हैं। अब ये सुपर कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर हम बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जा रहे हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्या, वो देखेंगे बाद में। तो यहां पे समझ लो, सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर तक लेके बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दिया। अब अगर हमने ठंडा कर दिया तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा लो टेम्परेचर पे। अब लो टेम्परेचर की इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन कम हो गया, तो यहां पे 100 एम्पियर करंट दिया तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बहुत ही लो है, तो ये कोलाइड करेगा नहीं किसी भी एटम से, जिससे करके यहां पे हमें करीब करीब सेम करंट मिलने वाला है, जिससे करके यहाँ पे कोलोशन नहीं, हीट नहीं, हीट नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस नहीं है। ठीक। तो सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन अब इजीली सी हम समझ सकते हैं। सुपर कंडक्टर यानी कि ऐसे कंडक्टर या ऐसे मटेरियल जो करंट के फ्लो को कुछ भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करे या जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे। कब? जब हम ये जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम ले आते हैं। ठीक है। तो अब सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज सच मटेरियल विच ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, विच ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। कब? व्हेन इट इज कूल डाउन बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे टीसी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सुपर कंडक्टर तो क्लियर हो गया, अब हम समझते हैं सुपर कंडक्टिविटी यानी क्या। तो सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमिना है, ऐसा फिनोमिना जिसमें जो हमारा मटेरियल है या कंडक्टर है वो अपनी रेजिस्टिविटी को लूज कर दे, यानी रेजिस्टिविटी जीरो कर दे। ठीक है। वो फिनोमिना को हम सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी यानी क्या? द फिनोमिना ऑफ लूजिंग द रेजिस्टिविटी व्हेन, लूजिंग द रेजिस्टिविटी यानी जीरो, लूजिंग द रेजिस्टिविटी व्हेन कंडक्टर इज कैप्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। जब कंडक्टर को हम बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाएंगे तब कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो के बराबर होगी। ये फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे? सुपर कंडक्टिविटी बोल देंगे। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्या। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर समझने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। अब 1911 में एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइक। अब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और सुपर कंडक्टिविटी की खोज करी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एक ऑर्डिनरी कंडक्टर ले लिया, जैसे कि कॉपर ले लिया उन्होंने। कॉपर का उन्होंने टेम्परेचर धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। तो कॉपर लिया, नॉर्मल कंडक्टर लिया, उसका टेम्परेचर, उसका ये टेम्परेचर केल्विन में है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते गए। तो उन्होंने ये देखा कि टेम्परेचर कम करने पर ये जो रेजिस्टिविटी है वो भी कम हो रही है। और उन्होंने ये देखा कि जब टेम्परेचर उन्होंने जीरो केल्विन कर दिया, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर दिया, तब भी वो जो कंडक्टर था उसकी कुछ रेजिस्टिविटी थी, उसकी कुछ रेजिस्टिविटी थी, यानी रेजिस्टिविटी जीरो तो हुई नहीं। ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए? जीरो रेजिस्टिविटी चाहिए। क्यों? हमें सुपर कंडक्टर चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मर्क्यूरी,
मर्क्यूरी लिया और उसे एक हाइड्रोजन गैस में रख दिया। अब हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, ठंडा होता है, जिससे करके मर्क्यूरी का टेम्परेचर कम होता गया धीरे धीरे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मर्क्यूरी का टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है ऐसे उससे उसकी रेजिस्टिविटी भी कम हो रही है, और उन्होंने देखा कि सडनली 4.2 केल्विन टेम्परेचर तक इसे अगर हम ठंडा करें तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो के बराबर हो जाती है, जो कि थी 10^-5 ओम इनटू मीटर, लेकिन हम कंसिडर करेंगे जीरो के बराबर हो जाती है। तो ऐसा टेम्परेचर जब जो रेजिस्टिविटी है सुपर कंडक्टर की या कंडक्टर की वो जीरो के बराबर हो जाए, तब वो टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देंगे। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या। द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बिकम्स जीरो, यहां पे रेजिस्टिविटी जीरो हो गई है, इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पे मटेरियल की रेजिस्टिविटी जीरो के बराबर हो जाए उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि अगर ऑर्डिनरी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसे बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ेगा, जिसे टीसी बोलते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उसका जीरो हो जाएगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी जीरो हो जाएगी, यानी कि फिलहाल आपके पास एक सुपर कंडक्टर है। अब कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं। ये सुपर कंडक्टर जो आपका है उसे अगर आपको फिर से ऑर्डिनरी कंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, यानी सुपर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिविटी उसे आपको लॉस्ट करानी है, उसे आपको ऑर्डिनरी कंडक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए यहां पे तीन चीजें हम पढ़ेंगे। ये तीन पैरामीटर का अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी चली जाएगी और कंडक्टर नॉर्मल बन जाएगा। तो कौन से तीन पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है टेम्परेचर। अब आपके पास एक कंडक्टर है, उसे अपने ठंडा किया कहां तक, क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा कर दिया, तो वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी कुछ रेजिस्टिविटी मिलेगी। कैसे, ये ग्राफ हमने देखा था, क्या देखा था, 4.2 पे रेजिस्टिविटी जीरो हो गई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर अगर होगा तो यहां पे इसकी कुछ रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी, यानी रेजिस्टिविटी अब जीरो के बराबर नहीं है, यानी हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो अब नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। आपने एक सुपर कंडक्टर लिया और उस पर आपने एक एक्सटर्नल फील्ड डाली, मैग्नेट की हेल्प से एक्सटर्नल फील्ड डाली। ठीक है, अब सुपर कंडक्टर एक डाया मैग्नेट है, जो कि BEE में हमने देख लिया था। डाया मैग्नेट यानी क्या, यहां पे क्विकली देख लेते हैं कि इसके अंदर इस तरीके के कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे जो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करेगी, जिससे करके ये जो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है वो कंडक्टर के बाहर से निकलेगी। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू बढ़ाओगे, एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू बढ़ाओगे तो एक ऐसे फील्ड पे, एक ऐसे एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू पे क्या होगा कि ये जो हमारा फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो ये सुपर कंडक्टर से पेनिट्रेट होके निकल जाएगा। तब ये जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पैरामीटर। और तीसरा पैरामीटर जो है वो है करंट डेंसिटी, यानी जे। करंट डेंसिटी यानी क्या, करंट पर एरिया। ठीक है, करंट डेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे, आपके पास सुपर कंडक्टर है, आप करंट डेंसिटी बढ़ा रहे हो, यानी यहां पे जो करंट डाल रहे हो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी करंट पर एरिया ज्यादा है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पर एरिया है, तो इतनी सारी करंट डेंसिटी आप डालोगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, करंट डेंसिटी बढ़ा के, तो क्या होगा, आप कोलोजन होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का कोलोजन होगा, तो क्या हो जाएगा, वापस कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वो डिसिपेट होगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहां पे हमें कम करंट मिलेगा। क्यों, अब इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, तो अब ये सुपर कंडक्टर ऑर्डिनरी कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब ये तीन बात यहां पे देख लेते हैं। ऐसा कुछ आप डायग्राम बना सकते हो। सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी तीन पैरामीटर पे डिपेंड करती है, कौन सी? एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तीसरी करंट डेंसिटी हो गई। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये यहां से ये जीरो केल्विन लेते हैं, बढ़ाते 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 4.2 केल्विन तक ले गए तब तो ठीक है, लेकिन 4.2 से ज्यादा टेम्परेचर आपने किया, ज्यादा टेम्परेचर किया यहां पे, तो तब उसका रेजिस्टेंस जीरो के बराबर रेजिस्टिविटी नहीं रहेगी, जिससे करके अब ये ऑर्डिनरी कंडक्टर बन जाएगा, नॉर्मल फेज में आ जाएगा, नॉर्मल फेज में आ जाएगा ये पॉइंट के बाहर से। ठीक है, उसी तरीके से ये जीरो से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते 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 यहां तक पहुंचे, यहां तक ये फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर रही, यहां से अगर फील्ड बढ़ाई, जिसे हम क्रिटिकल फील्ड बोलते हैं, ये क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल फील्ड, क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा अगर फील्ड बढ़ाई तो क्या होगा कि ये फील्ड लाइन पेनिट्रेट कर जाएगी ये सुपर कंडक्टर में से, तब ये सुपर कंडक्टर नॉर्मल फेज में चला जाएगा। तो यहां से ये जो जहां पे क्रॉस सेक्शन मैंने नहीं बताया है वो हमारा कौन सा हो गया, नॉर्मल फेज। ठीक है, उसी तरीके से यहां से स्टार्ट करते हैं, हमने करंट डेंसिटी धीरे 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 बढ़ाते गए, अब ये क्रिटिकल करंट डेंसिटी से भी ज्यादा करंट डेंसिटी हमने बढ़ाई। पहले सपोज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे, फिर 3 किए, अब 4 करोगे यानी यहां पे 4, यानी क्रिटिकल डेंसिटी आपने बढ़ा दी, बढ़ा दी तो क्या हो गया, अब करंट का लॉस हो गया, यानी रेजिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं रहा, रेजिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं रहा तो हमारा कंडक्टर ऑर्डिनरी कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। यानी जो क्रॉस सेक्शन जो मैंने बताया वो क्या है, सुपर कंडक्टिविटी फेज है, और बाकी आउटसाइड जो पोर्शन है वो नॉर्मल फेज है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।